गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी करेंगे आज हम। तो इसमें आज टॉपिक दिया है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैं आज दोनों के बारे में आपको बताऊंगी। तो क्वेश्चन मैंने दिया है, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। मतलब क्या है, 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। टीचर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किए 3 टॉफीज ईच स्टूडेंट, मतलब हर एक स्टूडेंट को 3-3 टॉफी टीचर ने दी है। हाउ मैनी टॉफी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द टीचर, मतलब टीचर के द्वारा कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब इसका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है हमें। तो हमारे पास में कितने हैं, 30 हमने स्टूडेंट्स लिए, ठीक है, और 3 टॉफीज हर एक स्टूडेंट में बटी, यानी कि 30 का ग्रुप है और 3-3 टॉफी, मतलब एक एक स्टूडेंट को 3-3 टॉफीज हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसमें जैसे ये 3 को मैंने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई ऐड किया है, ठीक हो, किसको 3 को मैंने, जैसे मान लीजिए 30 स्टूडेंट है, ठीक है, और 3 टॉफीज है, तो इन 3 को मैंने 30 टाइम्स, यानी कि 30 का ग्रुप है, तो 3 को मैंने 30 टाइम्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब 3 को हम 30 टाइम्स ऐड करेंगे, यानी कि आपको 3 को 30 टाइम्स लिखना है, ठीक हो, ठीक है। तो उसका हम आंसर आएगा हमारा 3+3। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, ये 10 टाइम्स लिख लिया, ऐसे 10 टाइम्स और लिखना है, ऐसे 10 टाइम्स और लिखना है, कितने टाइम्स हो गया, 30 टाइम्स हो गया। तो हमारा आंसर आएगा इनको ऐड करने के बाद 90। और अगर ये हो गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लिकेशन में करते हैं हम, तो हमको 30 मल्टीप्लाई 3 करना है, तो भी हमारा आंसर यही निकलेगा। तो यानी कि ये जो आंसर है, ये आंसर है, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं और इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ओके। कोई आपसे पूछेगा मल्टीप्लिकेशन, तो आप इस तरीके से बताएंगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में उनको उस ग्रुप को ऐड करना होता है कि किसका कितना ग्रुप है और कितनी क्वांटिटी है उसके अंदर। जैसे यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और उसके हर एक स्टूडेंट्स को 3-3 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ठीक है। ये हमारा केस फर्स्ट होता है। अब अगर दूसरा केस करते हैं हम, अगर दूसरा केस है हमारे पास में जिस तरीके से, अगर 4 स्टूडेंट्स आर एबसेंट, इफ 4 स्टूडेंट्स आर एबसेंट देन हाउ मैनी टॉफीज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो कितनी टॉफी डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर 4 स्टूडेंट्स एबसेंट है। अब देखो हमारे पास में कितने स्टूडेंट है, टोटल 30 स्टूडेंट्स, इसमें से क्या हुआ, 4 स्टूडेंट्स एबसेंट हो गए, तो हमारे पास में बचेंगे 26 स्टूडेंट। लेकिन अब हमें क्या करना है, टीचर को 26 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। टीचर ने सोचा 30 स्टूडेंट आएंगे, बट उनमें से 4 एबसेंट हो गए और आए 26 ही। अब क्या करना है, 26 के हिसाब से 3-3 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। इधर भी हमने 3 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट की थी, इधर भी हमें 3-3 टॉफीज ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। टॉफीज का रेशो वही रहेगा, ठीक है। ये रेशो चेंज होगा कि स्टूडेंट्स कम हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि एबसेंट हो गए थे उस दिन। अब हमें क्या करना है, जो 3 हमने इधर 30 बार ऐड किया है, इधर हमें 3 कितनी बार ऐड करना है, ये 3 26 टाइम्स हमें ऐड करना है, ठीक है। कितनी टाइम्स, 26 टाइम्स। तो 26 बार हम जब 3 को ऐड करेंगे, 26 बार 26 को ऐड करना, 3 को ऐड करना, मतलब आपको 3 को कितनी बार लिखना है, 26 बार लिखना है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 78। जब आप 3 को 3+3+3+3+3+3 26 बार आपको लिखना है, तो 78 आएगा। अब आपको मल्टीप्लिकेशन में करना है, 26 मल्टीप्लाई 3, तो आपका आएगा आंसर 78, यानी कि ये दोनों आंसर सेम, ठीक है। अगर आपके 7 स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा है, इफ 7 स्टूडेंट्स आर एबसेंट देन हाउ मैनी टॉफी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप 7, अभी क्या था, 4 स्टूडेंट एबसेंट, अब 7 हो गए, 30 में से 7 स्टूडेंट्स वो हो गए एबसेंट, तो अभी हमारे पास में 23 स्टूडेंट्स बचे हैं। अब 23 को 3-3 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो वही आप 3+3 इसको 23 टाइम्स लिखेंगे, जो आंसर आएगा आप यहाँ फिल करेंगे, फिर 23 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9 और 6, ये आंसर आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 10, अब 10 स्टूडेंट एबसेंट हो गए, पहले कितने हुए, 4 हुए, उसके बाद 7 हुए, उसके बाद 10 हो गए, तो 30 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 20, तो 20 स्टूडेंट्स में हमको 3-3 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो 20 स्टूडेंट्स में 3 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 3 + 3 + 3 + 3, ये रिपीटेड एडिशन है, तो इसमें हम 20 × 3 लिखेंगे तो कितना आएगा, 60, ठीक है। तो अभी हम 20 × 3 करेंगे तो आएगा 60, ठीक है। ये इस तरीके से आपको करना है, ये आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 8 बास्केट, अभी क्या है यहाँ पर 8 बास्केट है, 1 बास्केट, 2 बास्केट, 3 बास्केट और 4, 5, 6, 7, 8, अब इनमें क्या है, 9, अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 8 बास्केट है, इसमें 9 एप्पल्स ईच, देन हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल, यानी कि आपके 8 बास्केट में 9 एप्पल हैं, ये 9 एप्पल मैंने मेंशन कर दिए इसमें, ठीक है। मान लीजिए आप 9 एप्पल हैं तो आपको कैसे करना है, 8 बास्केट 9 एप्पल है तो 9 + 9 कितना ग्रुप है, एप्पल हमारे पास 9 है बट ग्रुप कितने है 8, तो हमको 9 को 8 टाइम्स ऐड करना है, तो हमारे कितना आया, जो आंसर आया आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यानी कि 9 एप्पल हैं, जितनी क्वांटिटी होती है उसको हम जितने ग्रुप होते हैं उतने तक ऐड करते हैं, यानी कि क्वांटिटी हमारी 9 है, तो इसलिए हमें 9 को ऐड किया है, और कितनी बार ऐड किया है, 8 टाइम्स, तो हमारे पास ग्रुप कितने हुए, 8, ठीक है, 8 बास्केट का ग्रुप है और हर एक में 9 है, तो यहाँ पे आएगा, अब हम करेंगे 9 × 8, तो जो आंसर आएगा आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दूसरा केस आता है, अगर 2 एप्पल्स रॉटन इन ईच बास्केट, अगर हर एक बास्केट में 2-2 एप्पल खराब हो जाते हैं, यानी कि जो 8 बास्केट है ये, इनमें 9 एप्पल है हर एक बास्केट में, इनमें से 2-2 एप्पल खराब हो जाते हैं, तो हमारे पास कितने बचते हैं, 7, ठीक है, 7 बचे, 9 में से 2 गए तो 7 एप्पल बचे, तो हर एक बास्केट में क्या हुआ, 7 एप्पल आ गए, ओके। अब हम क्या करेंगे, बास्केट हमारे पास 8 ही है, तो अभी हम 7 को 8 टाइम्स प्लस करेंगे, ठीक है, जितना आएगा आपको आंसर ये करना है, 7 × 8, जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है, ये इस तरीके से करना है। अभी दूसरे केस में हमारे पास में 3 एप्पल्स खराब हो गए, ठीक है, तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, टोटल हमारे पास 9 एप्पल्स थे, अब इनमें से 6 एप्पल्स, 3 एप्पल खराब हो गए तो हमारे पास 6 रह गए, लेकिन बास्केट हमारे पास में 8 ही है, उनमें से जो एप्पल है उन बास्केट में 9, उनमें से 6 खराब, वो 3 खराब हो गए हैं, ठीक है, यानी कि वेस्ट हो गए हैं वो, तो उनको हमने हटा दिया, तो अभी हमारे पास कितने बचे, 6, तो अभी हमें 6 जो हमारे पास आया है उसको हमें 8 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है, 8 टाइम हमने ऐड किया तो हमारा जो आंसर आएगा आपको यहाँ ऐसे लिखना है, फिर 6 × 8, क्योंकि बास्केट तो हमारे पास 8 है बट जो एप्पल्स की क्वांटिटी है ना वो कम होती जा रही है, बास्केट की कम नहीं हो रही है, केवल एप्पल्स की कम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एप्पल्स की क्वांटिटी कम हो रही है ना उसको करना है, बास्केट हमारा ये वाला जो है बास्केट वाला वो सेम रहेगा, केवल ये एप्पल वाला जो रेशियो है वो चेंज होएगा, यहाँ 9 तो सबसे पहले, फिर 7 रह गया क्योंकि 2 खराब हो गए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, 3, एक केस में 3 खराब हो गए तो 9 में 3 खराब हुए तो 6 रह गए, तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे लास्ट में है 5, अगर एप्पल्स खराब होते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं, तो आपको 9 में से 5 करके 4 को आपको 8 टाइम्स प्लस करना है और फिर उसका रिपीटेड एडिशन लिखना है, ओके, थैंक यू।